Hi guys, it's 2:45 AM in the morning and मैं पढ़ाई कर रही थी. आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, आई नो. तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, तो मैं सोची आपके साथ एक अपना एक थॉट शेयर करूँ. ठीक है, रात में होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं. ठीक है, बहुत पावरफुल ख्याल आते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी आते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स. तो मुझे भी अभी आ रहे थे और उसमें से कुछ ऐसे थॉट्स थे जो मैं सोची कि आपसे शेयर करना बनता है. ठीक है, तो इट विल बी, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट ब्लॉग दैट व्हाट आई डू एंड आई विल शेयर वन ऑफ माय विद यू. सो लेट्स बिगिन कि मैं पहले अभी क्या करी थी, मैं क्या पढ़ रही थी. सो गाइस, मैं ऑर्थो पढ़ रही थी. ठीक है, देख लो अपना फ्यूचर. और मैं and poor prognostic factors of POTS paraplegia. So what? और मैं अपना लेक्चर देख रही थी जो मैरो पे मैं देखती हूँ. और यू कैन सी द होल मेस ऑन माई टेबल. मैंने रूम टूर जब कराया था तब तो आपने देखा था बहुत कुछ, सब कुछ साफ था. लेकिन हाँ ठीक है, अभी सारे कपड़े ऐसे पड़े हैं मेरे बेड पे, मुझे सरिया कर इसको रखना है. और अभी मैं खाने वाली हूँ. ठीक है, सो गाइस मैं अभी आपके साथ खाते खाते कुछ बातें करूँगी. सो द थॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू कि हम जब भी कुछ करने जाते हैं, ठीक है, तो हमें एक अश्योरेंस चाहिए होता है, एक वैलिडेशन चाहिए होता है कि क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं. हमें कोई चाहिए होता है जो हमें बताए कि हाँ तुम काबिल हो, तुमसे ये चीज़ हो जाएगी. बट यू नो वॉट, ask yourself, do you really need anyone in your life who would always tell you ki haan ye zaruri hai. Maybe at some point you will get people who will always appreciate you, who will always push you ki haan theek hai tumse ho sakta hai tum kar lo. theek hai, ye yaar ye human nature hai. theek hai, human nature hai ki hum chahte hain ki koi hame bataye ki haan tum us kabil ho. theek hai, lekin there will be times ki koi bhi nahi hoga jo aap pe trust karta hoga. अगर ऐसा टाइम है, अगर आपके लाइफ में अभी कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ बहुत ही यूनिक कर रहे हैं. ठीक है, होगा, हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आपके पेरेंट्स भी आप पे थोड़ा सा डाउट कर लें, होता है यार. लेकिन दैट इज़ दैट पॉइंट, बस वही एक पॉइंट है जहाँ पर हमें अपने लिए खड़ा होना है. ठीक है, हमें अपने लिए खड़ा होना है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है सबको समझ में आए. ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन वही बात है, ह्यूमन नेचर. हम चाहते हैं कि कोई हमें हर समय अप्रिशिएट करे, हर समय हमें बताते रहे यस यू कैन डू दिस, यस यू कैन डू दिस. ठीक है, इसीलिए हम मोटिवेशंस जो है बाहर ढूंढते हैं, जो कि हमारे अंदर ही है. अगर आपके अंदर ये थॉट आया है, अगर ये कोई यूनिक थॉट आया है, अगर आपने अपने आप को डिस्कवर किया है, इसका मतलब है कि जो मोटिवेशन था वो आपके अंदर ही था. आपको बाहर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है. क्या पता आपने कुछ यूनिक सोचा हो, है कि नहीं. तो गाइज, आई वुड जस्ट टेल यू कि पता है आप खुद ही इस जवाब देने के काबिल हैं. ठीक है, कि आप कोई चीज़ अगर सोचे हैं करने के लिए, इट्स नॉट अबाउट मेडिकल, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गिविंग एनी मोटिवेशन अबाउट नीड एंड ऑल. ठीक है, इट्स जनरल थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आपको पता है कि वो चीज़ आपसे हो सकती है, आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया, एक आपने जस्ट, या फिर जस्ट एक थॉट आया है कि मुझे ये करना है, एंड बस एक होता ना एक स्नैप में, बस एकदम दिमाग आपको बता देता है हाँ तुमसे हो सकता है. ठीक है, तो आपसे हो सकता है. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा माइंड मैप बनाना है, दिमाग में ही बनाना है, खुद से बनाना है, किसी और से जाके नहीं पूछना है. ठीक है, जो आप खुद डिसाइड करोगे, जो आपको उस समय समझ में आएगी बात, उससे प्योर कुछ हो ही नहीं सकता है. हो सकता है आप बीच में कहीं पर अटक जाओगे. ठीक है, आपको लगेगा यार इसके बाद क्या करें, सर्च फॉर सम ओपिनियन. लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, रुक जाओ और खुद से ही पूछो, क्योंकि आपसे बेटर आपके बारे में और कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, ट्रस्ट मी. सो लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स. आप रात में क्या सोचते हैं, आपको क्या ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं. और भी मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बट आज के लिए इतना ही. तो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपको ये वीडियो कल सुबह दिखेगी।